अपनी जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यूपी स्पेशल में। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल बोलेंगे तो बची खुची कांग्रेस भी स्वाहा हो जाएगी। नकवी ने राहुल के उस बयान पर यह टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार अगर उन्हें बोलने देगी तो भूचाल आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी परिवर्तन रैली के तहत आयोजित जनसभा में कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर वह बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। ये बात सही है कि वह अगर बोलेंगे तो जो बची खुची कांग्रेस है वह भी स्वाहा हो जाएगी। उन्होंने कहा, राहुल का कहना है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। राहुल कांग्रेस के राजनीतिक पाखंड के पार्टनर बन गए हैं, इस भूचाल में वह भी जाएंगे। नोटबंदी को लेकर नकवी ने चुटकी ली कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती, एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव, तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी और राहुल नोटबंदी से इतना परेशान क्यों हैं। उन्होंने कहा कि मायावती, मुलायम, ममता और राहुल सहित कुछ खास लोग परेशान हैं। काला धन रखने वाले ध्यान रखें कि नोटबंदी हुई है तो नाकेबंदी हो जाएगी। नोटबंदी से तो बेईमान और भ्रष्टाचारियों को चिंता करनी चाहिए। दागियों से दूरी का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी मिशन 2017 जीतने का हर संभव प्रयास कर रही है। दागियों से दूरी का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी मिशन 2017 जीतने का हर संभव प्रयास कर रही है। पार्टी ने कल 23 प्रत्याशियों की नई सूची जारी की। 3 विधायकों की टिकट काट दिए गए जबकि पहले घोषित 7 प्रत्याशियों में बदलाव किया गया। उम्मीद के मुताबिक 3 विधायकों का टिकट काटा गया है। बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सगे भाई हनुद्दीन सिद्दीकी को बांदा से प्रत्याशी बनाया गया है। इस क्षेत्र में नसीमुद्दीन का पैतृक निवास है। वहीं राजनीति में परिवारवाद का आरोप लगाने वाले मंत्री आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम का भी नाम सूची में है। उन्हें रामपुर के स्वार सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के अनुसार पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर ही सूची फाइनल की गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकोक्तियों और कहावतों के जरिए मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले और उसे लागू करने के तरीके को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री का यह कहना है कि नोटबंदी पर विपक्ष संसद में उन्हें बोलने नहीं दे रहा, गलत बयानी है। असलियत में यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। बसपा की प्रेस विज्ञप्ति में मायावती ने बहराइच में भाजपा की परिवर्तन रैली को फ्लॉप बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला और कहा कि देश के प्रधानमंत्री को, जिसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, इस तरह से रोना धोना और लोगों को गलाना शोभा नहीं देता। बकौल मायावती, मोदी रैली में शामिल नहीं हो सके लेकिन उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए रैली को संबोधित करने की औपचारिकता निभाई। केंद्र सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए ही मोदी नोटबंदी जैसे हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन जनता अब उनके इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार नहीं होने वाली। अमर सिंह को भले ही बाहरी माना जा रहा है लेकिन समाजवादी पार्टी में दिन पर दिन उनका कद बढ़ता जा रहा है। पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने राष्ट्रीय महासचिव तथा राज्यसभा सदस्य अमर सिंह को खासी तवज्जो देने जा रही है। विधानसभा चुनाव 2017 में अब अमर सिंह फिर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के साथ साथ अमर सिंह हर मोर्चे पर जोरदार प्रचार करेंगे। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की सहमति के बाद पार्टी अमर सिंह का कद लगातार बढ़ाती जा रही है। कभी पार्टी में हाशिए पर रखे गए अमर सिंह को राज्यसभा में भेजा गया, इसके बाद वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किए गए। फिलहाल उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड में भी रखा गया है। मुलायम सिंह यादव के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के नजदीकी अमर सिंह को हाल ही में पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सपा सरकार पर यह आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।
कलराज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, उन क्रियाकलापों से जनता त्रस्त हो गई है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, विकास कार्य केवल विज्ञापनों तक सीमित हैं। उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में हुई सड़क दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा, जहाँ कहीं भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, सड़कों का लोकार्पण हो रहा है, सड़कें ध्वस्त होती जा रही हैं। कलराज ने कहा, अगर देखा जाए तो अखिलेश सरकार के समय विज्ञापनों में तो काफी कार्य होता नजर आ रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष धरती पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए समाचार टाइम 24।